कक्षा 9 गणित के इस पीरियड में सभी छात्र एवं छात्राओं का एक बार फिर स्वागत है। आज हम 13.6 बेलन का आयतन संबंधित प्रश्नावली को देखते हैं। देखिए, बेलन का आयतन क्या होता है? लंबवृत्तीय बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। देखिए, लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आधार का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर गुणा ऊंचाई एच। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होना? पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका पहला सवाल देखते हैं। देखिए, एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी ऊंचाई 25 सेमी, इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है? 1000 घन सेमी जो है एक लीटर के बराबर होता, तो एच बराबर हमारे 25 है इसमें। अब बर्तन के आधार की परिधि दी हुई है, हमें त्रिज्या निकालनी पड़ेगी इससे, तो परिधि का सूत्र लगाएंगे, परिधि के लिखेंगे 132, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। तो r इससे निकालेंगे, r इक्वल टू 132/2π। अब 132/π का मान रखेंगे, 2×22/7 ऊपर पहुंच जाएगा, तो देखिए 22 से कट जाएगा ये, पहले 2 से काट दिया 66 बार, फिर 22 दिया 66, 3×7=21 सेंटीमीटर इसकी हमारी त्रिज्या आ गई। तो अब हम बर्तन का आयतन निकाल लेंगे। बर्तन का आयतन क्या? बेलन का आयतन हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7×21×21×25, 7×7=21, 3 बार कट गया, 22×66 हो गया ये, उसके बाद 21 से गुणा करी तो आया 1386, 25 से गुणा करी तो आएगा 34,650 घन सेमी। अब चूंकि एक लीटर में 1000 घन सेमी होते हैं, तो 1000 से भाग दे देंगे इसे हम, तो कितना आएगा? 34.65 लीटर, इतना पानी इसके बर्तन में आ जाएगा। अब देखिए सवाल नंबर 2। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास जो है वो 28 सेंटीमीटर, लंबाई 35 सेंटीमीटर है, पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, जो उसमें लकड़ी लगी हुई है उसका द्रव्यमान पूछ रहा है, जबकि एक घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान जो है वो 0.6 ग्राम है, 0.6 ग्राम है। तो इसमें देखिए पहले त्रिज्या निकालेंगे R1, जो हमारी बाह्य त्रिज्या है वो कितनी, व्यास कितना? 28 का आधा 2 से भाग कर देंगे तो कितना जाएगा? 14 आ जाएगी। ऐसी R2 कितने? 24/2, ये 12 आ जाएगी। H हमारा कितना? 35 सेंटीमीटर है। अब हम पाइप में लगी लकड़ी का आयतन निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? पाई एच R1²-R2², ये सूत्र है, तो ये क्या हो जाएगा? 22/7×H का मान 35 रख देंगे और 14²-12² अभी हमने आपको बताया था वर्गांतर के सूत्र से क्या करेंगे, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे, तो ये 7 से कट जाएगा 35, 5 बार 5 से गुणा कर लेंगे, 5×2=10, 5×2=11। अब ये लिखेंगे 14+12 एक बार हो गए, 14-12 ये माइनस का लिख दिया 12, ये कितना होगा? 110, 14 में से 12 निकाल दी, 2 बच्चे और 14 और 12 कितने हो? 26। गुणा कर रहे हैं इसकी, 26×52 110 ही गुणा कर लेंगे, 5720 घन सेंटीमीटर हमारी लकड़ी आ गई। अब लगी लकड़ी का द्रव्यमान निकाल लेंगे, तो एक घन सेमी कितनी बताई थी हमने? 0.6 ग्राम, तो इसमें हम क्या करेंगे? इससे गुणा कर देंगे, 0.6 है ये है, तो इसकी गुणा कर देंगे, कितनी आई? 3432.0 या 3432.0 ग्राम आ गई, या 3432 ग्राम आ गई। अब इसको हमें किलोग्राम बना देंगे, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000, 1000 से भाग दे दिया हमने, क्या आया? 3.432 किलोग्राम। इस तरीके से लकड़ी का आयतन हम निकाल सकते, लकड़ी का आयतन निकालने के बाद द्रव्यमान निकाल सकते हैं, किसी भी चीज़ का जो घनत्व हुआ होता है उससे हम गुणा करके द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो आज के पीरियड में बस इतना ही, कल फिर कुछ और प्रश्नों के साथ आएंगे। थैंक यू।